नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। बिहार के कई जिलों में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में उग्र विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। बिहार में कई जगह पर युवा सड़क पर उतरकर इस नई योजना का विरोध कर रहे हैं। कल दिन भर हुए उपद्रव के बाद आज प्रदर्शनकारियों ने सुबह 6 बजे से ही मोर्चा संभालना शुरू कर दिया था। उन्होंने सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक भी निशाना बनाया है। शुक्रवार सुबह जहां कई रेलवे स्टेशनों पर पथराव की खबरें आ रही हैं, तो वहीं बिहार के सीमांतपुर और लखियांस में ट्रेनों में आग लगा दी। इस दौरान कई यात्रियों के साथ बदसलूकी भी की गई। लखीसराय में युवाओं ने विक्रमशिला एक्सप्रेस को रोक दिया और ट्रेन में तोड़फोड़ की। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने आनंद विहार दिल्ली से चलकर भागलपुर जिले की विक्रमशिला सुपरफास्ट ट्रेन में आग लगा दी। ट्रेन की कई बोगियां धू धू कर जलने लगी। वहीं सीमांतपुर जिले में प्रदर्शनकारियों ने 2 यात्री ट्रेनों में आग लगा दी। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने मुहिद्दीन नगर रेलवे स्टेशन पर जमुईद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन की कई बोगियों में आग लगा दी, तो दूसरी ओर धर्मपुर के पास बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन में भी आग लगा दी गई। सुबह सुबह प्रदर्शनकारी बलिया रेलवे स्टेशन पहुँच गए और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वहीं तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने 16 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। वहीं करीब 650 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बेगूसराय के लखमिया, वैशाली, नानंदगला आदि जिलों में युवाओं और छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे ट्रेन सेवा के साथ साथ सड़क मार्ग में भी बाधित हो गया है। हिंसक प्रदर्शन के कारण रेलवे ने अब तक 38 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 11 अन्य आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। विरोध के कारण 72 अन्य ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसमें 5 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन और 29 से अधिक यात्री ट्रेन से रद्द कर दिए गए हैं। बता दें कि गुरुवार को भी अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्यों के युवाओं में उबाल देखने को मिला था। कई जगह आगजनी हुई थी। रेल और सड़क मार्ग को रोक दिया गया है। छपरा में ही 3 ट्रेनों को फूंक दिया गया, तो वहीं कैमूर में भी पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी थी। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निवीरों के लिए अग्निपथ योजना की 14 जून को घोषणा की गई थी। सरकार ने सेना की 3 शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है, जिसके तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। 4 साल पूरे होने पर उनमें से 25% को पूर्णकालीन सेना सेवा के लिए लिया जाएगा, जबकि बाकी 75% रिटायर माने जाएंगे। योजना के तहत रिटायर्ड ऑफिसर को पेंशन समेत बाकी सुविधाएं नहीं मिलेगी। सरकार ने एक कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। सरकार की इस योजना से नाराज छात्रों का कहना है कि ये योजना उनके भविष्य को बर्बाद कर देगी। उनका कहना है कि 4 साल पूरा होने के बाद हमें जॉब की गारंटी नहीं मिल रही है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ ज़्यादातर युवाओं का ख्वाब सरकारी नौकरी होता है, ऐसे में सपना टूटते देख नौजवान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि 4 साल की नौकरी के बाद हम कहाँ जाएंगे, 4 साल की सर्विस के बाद हम बेघर हो जाएंगे।